पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान में इस साल विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन का आयोजन विशेष रूप से अनोखा और भव्य रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परंपरागत तरीके से तीर चलाकर रावण का वध किया। हालांकि इस बार एक दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला है। जैसे ही सीएम नीतीश कुमार ने धनुष उठाया, तीर और धनुष उनके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गए। ये घटना से कार्यक्रम में हल्की सी रुकावट पैदा हुई, लेकिन इसके बावजूद लोगों की उत्सुकता और उल्लास में कोई कमी नहीं आई। इस बार के आयोजन की एक खास बात ये रही कि हनुमान की भव्य एंट्री क्रेन के जरिए हवा से हुई। हनुमान जी ने प्रतीकात्मक रूप से रावण की लंका को जलाया, जिससे दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। इसके बाद रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को इको फ्रेंडली पटाखों से दहन किया गया। इन पुतलों की ऊंचाई 80 फीट, 75 फीट और 70 फीट थी, जिनमें रावण का पुतला खास तौर पर मैथिली लुक में डिजाइन किया गया था। इस अनोखे स्वरूप ने दर्शकों का ध्यान खींचा और मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक बना। पटना के गांधी मैदान में हर साल की तरह इस बार भी रावण दहन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, लेकिन इस बार के आयोजन को खास बनाने के लिए और भी कई सुरक्षा और सुविधाओं का इंतजाम किया गया था। आयोजन के लिए गांधी मैदान के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। 128 कैमरे लगाए गए थे ताकि कार्यक्रम पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा 18 हाईटेक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी और पास के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया था, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके। बिहार के सबसे बड़े रावण दहन आयोजन के तहत गांधी मैदान में 80 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया था, जो इस बार देश के शीर्ष 10 सबसे बड़े रावण के पुतलों में शामिल था। रावण के पुतले को जलरोधी बनाया गया था ताकि मौसम की कोई भी अनहोनी इसे प्रभावित न कर सके। आयोजन के दौरान दर्शकों के लिए प्रवेश और निकास के गेट निर्धारित किए गए थे। मीडिया के लिए गेट नंबर 13 और आम जनता के लिए गेट नंबर 4 से लेकर 12 तक का इंतजाम किया गया था, ताकि आयोजन में किसी प्रकार की भीड़ भाड़ या अवस्था न हो। बिहार के अन्य शहरों में भी इस बार विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गया, मेधापुर और बक्सर सहित कई जिलों में रावण दहन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इन स्थानों पर भी प्रतीकात्मक रूप से राम और रावण के बीच युद्ध का मंचन किया गया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरा का ये पर्व हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर साल शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ विजयादशमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके विजय हासिल की थी, जिससे इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। पटना का गांधी मैदान इस आयोजन का साक्षी बना, जहां हनुमान की अनोखी एंट्री और मिथिला के सांस्कृतिक प्रतीक रावण ने दर्शकों को रोमांचित किया और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम का समापन हुआ। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।